अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं मेरे बहन भाई है, सब लोग आप ठीक हैं जी? ये आज मैं बना रही हूँ करेले, फ्राई कर रही हूँ अभी, तो मुर्गी और करेले बना रही हूँ। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ, ये बगैर मिर्चियों के आज बनेंगे जी करेले, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं उनको शुगर है, तो दूसरा ऊपर से मसला उनका ये है कि वो जो है ना शुगर की मरीज है। तो ये अभी उनको उनकी शुगर ज़्यादा है, उनकी ज़ुबान भी जो है ना सारी साफ हो गई है, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मुझे करेले बना के दो बगैर मिर्चू के बना के दो। तो मैंने कहा चलो जी हम बगैर मिर्चू के बना के देते हैं। तो बस ये अभी फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें फिर हम प्याज डालेंगे इसी चीज़ में, तो साथ मुर्गी भी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं मेरे बहन भाई है, सब लोग आप ठीक हैं जी? ये आज मैं बना रही हूँ करेले, फ्राई कर रही हूँ अभी, तो मुर्गी और करेले बना रही हूँ। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ, ये बगैर मिर्चू के आज बनेंगे जी करेले, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं उनको शुगर है, तो दूसरा ऊपर से मसला उनका ये है कि वो जो है ना शुगर की मरीज है। तो ये अभी उनको उनकी शुगर ज़्यादा है, उनकी ज़ुबान भी जो है ना सारी साफ हो गई है, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मुझे करेले बना के दो बगैर मिर्चू के बना के दो। तो मैंने कहा चलो जी हम बगैर मिर्चू के बना के देते हैं। तो बस ये अभी फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें फिर हम प्याज डालेंगे इसी चीज़ में, तो साथ मुर्गी भी डालेंगे। ये जी हमने करेले तल के निकाल दिए, तो अब जो है ना हम करेलों और मुर्गी के लिए मसाला तैयार करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये जी अब तेल गर्म हो रहा है, तो इसमें ये प्याज हम डाल देते हैं। चले जी जितने में ये प्याज ग्राउंड होता है, इतने में हम मुर्गी धो लेते हैं। ये जी प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो इतने में ये हमने लहसुन भी इसके साथ डाल दिया। ये जी टमाटर हैं करेलू के लिए, और इसमें दो तीन मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। ये मसाला ज़्यादा है, ये मिर्चें, ये नमक और ये धनिया, ये अभी हम डालेंगे। अभी बस इसमें मुर्गी डालते हैं, तो उसके बाद जो है ना ये मसाला ज़्यादा सारे डालेंगे। साथ ही मैं टमाटर डाल दूंगा।
इसके थोड़ा बहुत ढकना देते हैं। चलो जी अब ढक्कन उठा के देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। टमाटर गल रहे हैं, अभी मिर्ची भी हमने डाली थी टमाटर के साथ ही, हरी मिर्चें भी डाली थी। अब हम इस पे ये मिर्ची और नमक डालेंगे और साथ ही सूखा धनिया। अब घी इसमें से निकलेगा तो फिर हम करेले डाल देंगे। ये जी हम करेले भी इसी में डाल रहे हैं। इसे दम पे लगाते हैं तो अब हम दम पर लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद ये पक जाएंगे। चलो जी दम देखते हैं आप कितना हुआ है। चलें जी ये तो हो गया तैयार। अब हम आपको दिखाते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। चलो जी ये तो पक गई, अभी प्लेट में डाल के दिखाते हैं आप लोगों को। Thank you.
ये जी हमारे करेले गोश्त आप हैं तैयार, और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।